ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब फिर मेरे पास पैसे थे ही नहीं अभी, तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी इसका किताब मिला, प्रदर्शनी का अंक था आधा। टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चंद्रमा तक गए, चंद्रमा से पार कोई गया ही नहीं, अल्मस्ट्रांग ने। लेकिन मैं जब तीन लोग का चित्र देखा, मैंने सोचा अरे चंद्रमा जी भी पार, ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, उसके पार भी बिंदु बिंदु है, यहाँ कौन गया होगा। तो मैंने उस किताब को जाकर सर को दिखाया, हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं, ने कहा कि कोई गया ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास किताब है, दिखाया। तो टीचर ने देखा, बोले छोड़ो इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मुझे लगा सर को कुछ पता ही नहीं आए, तो मैं सबको पूछता था चंद्रमा से भी पार कौन गया भाई, जो जो पढ़े लिखे लोग मिलते थे, मैंने कहा चंद्रमा से भी पार कौन गया। वो लोग बोले इसको क्या हो गया भाई। तो आखिर मेरे को कोई जवाब ही नहीं देता था, तो मैंने क्या किया, 15 पैसे का पत्र लिया और नीचे ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया करके पत्र लिख दिया। क्योंकि मैं तो छोटा था, तो वहाँ से एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, मैं क्या किया कुएं से ला करके पानी भरना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा पानी बेचता था इधर उधर लोगों के घर में। 6 महीना 10 रुपये इकट्ठा किया, उसको यमो से भेजा और वहाँ से मुझे करेस्पॉन्डेंट कोर्स की किताब आई, और वो किताब आई, वो पढ़ करके मैं आत्मा हूँ, फिर बाहर का भोजन नहीं खाना है, ये सब जो भी धारणा बताई थी, जो जो किताब में लिखा था वो करना शुरू किया। 4 बजे उठ के योग लगाता था, और इस तरह से 2 साल तक मैं इस किताब के माध्यम से ज्ञान में चले, और 10वीं में बोर्ड में 1 नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, और जब वो कोर्स कर रहे थे, बाजू में एक ब्रह्मा कुमारी इसका गीता पाठ चाहती, वहाँ मैं जाना शुरू किया। तो उसी दिन मुरली बहुत अच्छी चली, जैसे बताया था आत्मा के ऊपर, तो मैंने सोचा यहाँ आत्मा का लेसन है, फिर मैं यहाँ हाथ पर भी लिख करके रखा, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा याद आई करके 2 शब्द लिखे अभी भी, उस समय 84 की बात है। तो रोज फिर तो एक दिन मैं बाबा को कहा कि बाबा, मैं बहन जी को पूछा, बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है। कहते नहीं नहीं माउंट आबू में तो तुम नहीं जा सकते, तुम क्या करोगे वहाँ जा करके। तो उसी समय बहनों की बहुत डिमांड थी, मैंने बाबा को एक रात भर बैठ करके कहा, बाबा मुझे आपने बहन जी क्यों नहीं बनाया, मैं तुरंत सेंटर पर कहीं ना कहीं रहता। ऐसा रात भर बाबा को बोलता रहा, झगड़ा करता रहा बाबा से। फिर दूसरे दिन वो बहन जी ने कहा, अरे भाई तुम अलग से कमरा लेकर रहते हो, वहाँ रहने के बजाय गीता पाठशाला में रहो। तो मैं बाबा को थैंक्स दिया, हमने कहा बाबा थैंक्स, और तब से लेकर के मैं गीता पाठशाला में रहना शुरू किया, अंदर आया बाहर गया ही नहीं, समर्पित जीवन को बना दिया।